सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉबीट्रॉनिक्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको कोई भी हमारे नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, शुरू करते हैं हम अपना आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। शुरू करते हैं। तो ये हमारा बॉक्स जिसे हम अनबॉक्स करेंगे। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा अनबॉक्सिंग बॉक्स जिसे हम अनबॉक्स करेंगे। बॉक्स को आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि ये मैंने कहीं से ऑफलाइन मार्केट से परचेज करवाया है और बाहर से लिया नहीं, या ऑनलाइन ही मुझे आज डिलीवर हुआ है। सो इसे अनबॉक्स करते हैं। शुरू करते हैं अपना अनबॉक्सिंग वीडियो। मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मंगवाए थे जिसमें से एक है ये आने वाले हमारे रोबोटिक व्हील्स जो मैंने मंगवाए थे। अगर आपको भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स परचेस करना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बल्क में और आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने कंपोनेंट्स ऑर्डर करवा सकते हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिल जाएगी। तो अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं। पहले तो हमें ये चार व्हील्स देखने मिल रहे हैं। जैसे ही हम अनबॉक्स किए हैं अपने बॉक्स को, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये चार व्हील्स हैं हमारे पास। उसके बाद में हमें मिल गए हैं चार गियर्ड मोटर्स जो कि 100 आरपीएम की, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 100 आरपीएम की मोटर्स है ये दोनों भी। और ये गियर्ड मोटर्स है जिसे हम अपने रोबोटिक कार के लिए यूज करने वाले हैं। तो मैं इन्हें निकाल लेता हूँ फर्स्ट। ये देख सकते हैं दोनों, ये भी दोनों 100 आरपीएम के चार मोटर्स हमारे पास है, चार व्हील्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ हार्डवेयर है मोटर्स के लिए जिसे हम मोटर्स को अटैच करके अपने चेसिस को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेटालिक चेसिस या फिर और कोई अपना खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन है अपने मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट काफ़ी सारे सेंसर्स हैं हमारे पास, सेंसर्स मॉड्यूल्स वगैरह। सो इन्हें भी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पर अपने पास सेंसर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर शुरू करते हैं अपना अनबॉक्सिंग। और इसमें सबसे पहले हमें मिलता है FTDI TDI और TTL मॉड्यूल। सो इस TTL मॉड्यूल को हम अनपैक कर लेते हैं। अनपैक करने के लिए हमने कटर ले लिया है, कटर को यूज करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसमें हमें मिल जाता है TTL मॉड्यूल, देख सकते हैं इसमें हमें एक तो मिला है FTDI TDI TTL मॉड्यूल और उसके साथ हमें केबल्स मिले कनेक्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है कि हमें केबल्स भी इसके साथ मिल रही है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद में यहाँ पे हमें मिल जाता है एक L29A10 ड्राइवर जो कि मोटर्स को, हमारे गियर मोटर्स को ड्राइव करेगा हमारे कंट्रोलर के थ्रू। सो इसे भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे L28N9 ड्राइवर काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिल जाता है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं क्वान्टिटी में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस आपको मिल जाएगा। और देख सकते हैं बोर्ड वगैरह हैं। नेक्स्ट भी हम अपना अनबॉक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है एक हार्ट बीट सेंसर, इस तरह का कुछ है। इसे हम बॉक्स करते हैं, काफ़ी छोटा सा मॉडल है, बॉक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये कनेक्टर, काफ़ी छोटा मॉडल है। और इसके साथ हमें जम्पर भी मिल जाते हैं ताकि हम इसे इस तरह से कनेक्ट करके शोल्डर कर सकें यहाँ पे। और बोर्ड दिए गए जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, ये हार्ट बीट सेंसर है, पल्स रेट मॉनिटर। इसी भी हम रख लेते हैं एक तरफ। उसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे है कुछ नोड MCU 8266 ESP नोड MCU। सो इसी भी हम अनपैक कर लेते हैं। ये किया हमने अनपैक इसे और अब हम इसे निकाल के देख लेते हैं। ये है ESP का वाईफाई बेस्ड नोड MCU बोर्ड। सो देख सकते हैं आप इस पर लिखा हुआ भी है वाईफाई और ये वाईफाई का एंटीना हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है और ये रेगुलर USB पोर्ट। और उसके बाद में हमें यहाँ पे मिलता है DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। तो इसे भी अनपैक कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे DHT और टेम्परेचर सेंसर है, DHT11 और टेम्परेचर सेंसर, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हमें मिलता है एक कैम बोर्ड, ESP32 कैम बोर्ड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है फ्रेंड्स क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। सो देख लेते हैं इसे भी अनपैक करके किस तरह से ये आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको देखने मिलता है इनका कैमरा
कैमरा के ऊपर आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाती है, और ये कैमरा प्लग इन प्ले टाइप है जिसे आप प्लग इन कर सकते हैं यहाँ पे इस पोर्ट में। और ये इस पर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी हमें मिल गया है जिसे हम अपने वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं इसमें। और ये वाईफाई एंटीना है जिससे हम इस कैम को वाईफाई से कनेक्ट करके अपने मोबाइल पे या फिर अपने पीसी पे व्यू कर सकते हैं इसका डिस्प्ले। सो इसी भी रख लेते एक सर। नेक्स्ट हम अनबॉक्स करते हैं फिर से एक नोड एमसीयू फ्रेंड्स, इसे हमने एक्चुअली देख चुके हैं तो इसे हम अनबॉक्स नहीं करते हैं। उसके बाद में हमें मेन जो कंपोनेंट देखने मिलता है वो एक ईसीजी सेंसर। ईसीजी जो ईसीजी डिस्प्ले होता है अपने हार्ट का मॉनिटरिंग, उसका है ये सेंसर। तो इसे अनबॉक्स करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स अनबॉक्स इट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अनपैक कर लिया है और इसके बाद में हमें इसमें काफ़ी सारे एक्सेसरीज मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हमें इलेक्ट्रोड्स मिले हैं। ये देखिए हमें 3 इलेक्ट्रोड्स इसके साथ मिले हैं, और 3 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एक पिन टाइप मिली है ऑडियो सिग्नल टाइप, जिसमें एक ऑडियो जैक भी दिया गया है। देख सकते हैं मेल ऑडियो जैक है, और ये इसके पिन्स है जिसे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। देख सकते हैं इसे आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कुछ, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड हो गया तो इसे यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही हमें 3 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम इसे साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं मदरबोर्ड को। इसका जो बोर्ड है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और इसका जो नंबर है वो है ADB8232। सो इसमें आपको एक फीमेल ऑडियो जैक मिल जाता है जहाँ पे आप अपना इस कनेक्टर का ऑडियो जैक जो मेल ऑडियो जैक है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फिर इसे आप यहाँ पे इस तरह कुछ इस तरह कनेक्ट कर पाएंगे, और यहाँ पे आपको आउटपुट पिंस मिल जाएंगे या फिर इनपुट वोल्टेजेस पिंस भी सब इस पर मिल जाएगी, और ये इलेक्ट्रोड पिंस हो गए ऑडियो जैक के थ्रू कनेक्ट। सो ये भी हो गए हमारे अनबॉक्स, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं सर फ्रेंड्स। और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है टेम्परेचर सेंसर, जो इस तरह का टेम्परेचर RTD सेंसर आता है उस टाइप का सेंसर है ये। इसे भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छी इसकी सुपरी बिल्ड क्वालिटी है, और वायर भी काफ़ी लंबी हमें देखने मिल जाती है, अराउंड 1 मीटर हमें इसमें वायर मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे सेंसर से ये। ठीक है फ्रेंड्स, सो अनबॉक्सिंग वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे बने आने वाले वीडियो के लिए बने रहें और फॉलो करते रहें हमारे चैनल को जिसका नाम है हॉबीट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे RP2040 चिप जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी, जो कि रेसबेरी ने यूज़ किया है अपने बोर्ड पे रेसबेरी पिको पे। सो इज़ इट वर्थ बाइंग, इस टॉपिक पे हम इसे वीडियो बनाने जाने हैं, और अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और कंपोनेंट्स परचेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे जीमेल एड्रेस पे, और जीमेल एड्रेस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, सो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स एंड दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।